कहीं पूछते हैं कि पानी को चार्ज कैसे करें, तो पहली बात तो ये कि केवल पानी को चार्ज नहीं करना, हर चीज को चार्ज करना। क्योंकि चार्ज करने का मतलब क्या है? बाबा की शक्ति उसमें डालना। और शक्ति कैसे डलेगी? जब भी भोजन आए, पानी पिए, चाय, दूध, फ्रूट, कुछ भी खाएं, तो बुद्धि में ये रहे उसको चार्ज करने के लिए कि बाबा ये आपका दिया हुआ है, इसको आप भी स्वीकार करो, और दृष्टि देते देते उस चीज को ग्रहण करो। तो समझो वो चार्ज हो गया। ऐसे चार्ज करके जब हम कुछ चीज स्वीकार करते हैं तो बहुत शक्ति आती है। यहां तक कि जो सांसें जाती है ना, एक एक श्वास जो अंदर जा रही है, इसमें भी बाबा की याद आए। लेकिन ये कैसे संभव है? बहुत अभ्यास के बाद ही ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए पहले बाबा ने कहा, जैसे 3 टाइम आप भोजन करते हो, तो पहले वो प्रैक्टिस पक्की करो कि जब भी भोजन खाएं तो पहले बाबा को याद करके, फिर 4-5 बार पानी पीते हैं, फिर चाय दूध भी लेते हैं, तो हो गया 10-12 बार बाबा की याद। फिर बाबा कहते हैं उठते बैठते भी याद करो। जब भी उठें कार्य करने के लिए, तो हर कर्म करने से पहले बाबा की याद से कार्य शुरू करो। फिर जब बैठें यानी रेस्ट करें, तो रेस्ट करते हुए बाबा का शुक्रिया करो, बाबा आज ये कार्य आपने बहुत अच्छा कराया, इसमें सफलता मिली। सफलता ना भी मिले, कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ कमी रह गई, तो क्या सोचना है? शुक्रिया बाबा, क्योंकि मुझे पता है हर बात में कल्याण है और हर बात हमें सिखा रही है। इस संगम युग है ही कल्याणकारी। तो ऐसे जब रेस्ट करें तो सब कुछ बाबा को अर्पित करके ही रेस्ट करना है। तो उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर कार्य करते बाप को याद करना। जब यह अभ्यास हो जाएगा तो धीरे धीरे एक एक श्वास जब अंदर जाएगी, तो समझो बाबा की शक्ति जाएगी, और अंदर शक्ति जाएगी, सांस बाहर निकलेगी, कमजोरी बाहर निकलेगी। अंदर फिर श्वास लेंगे, बाबा की शक्ति अंदर जाएगी, श्वास बाहर निकलेगी, कमजोरी बाहर निकलेगी। आप सोचो सारा दिन में कितनी कमाई हम कर सकते हैं अगर यहां तक हम पहुंच जाए। और पहुंचना है, केवल सुना अच्छा लगा यहां तक नहीं, इस अभ्यास को जीवन में लाना ही है। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।